ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बीबीआर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो फाइनली, जैसे कि आप लोग को मैंने बोला था, जब पनवेल का मैंने व्लॉग शूट किया था, बारिश होगी तो आऊँगा मैं। तो मैंने आज अपना वादा पूरा किया। जब मैंने पनवेल का व्लॉग शूट किया था सलमान खान के फार्म हाउस का, तभी मैंने बोला था कि बारिश का जब सीज़न आएगा तो मैं बारिश में भी एक बार पनवेल का व्लॉग शूट करूँगा। तो बारिश का सीज़न आ चुका है, तो आज मैं पनवेल वापस आया हूँ। उस टाइम पे मैंने कुछ लोकेशन कवर नहीं कर पाया था, उस टाइम पे मैंने खाली पनवेल में और सलमान खान का फार्म हाउस ही कवर किया था। तो लास्ट टाइम पे जो पॉइंट छूट गए थे, कुछ पॉइंट थे शूटिंग के, कुछ सेट्स थे जो मैं लास्ट टाइम पे कवर नहीं कर पाया था, तो वो आज मैं कवर करूँगा आज के व्लॉग में। तो आप लोगों को दिखाऊंगी पनवेल में भी कुछ सेट्स से जहाँ पे शूटिंग होती है, मेन पॉइंट है। तो आज कुछ भी पुराना नहीं होगा, आज सब नया होगा। इसलिए आज का व्लॉग भी मैं पनवेल में आके स्टार्ट कर रहा हूँ, घर से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कुछ अलग करना था। सो आज का व्लॉग पूरा देखना आप लोग, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, काफ़ी मज़ा आएगा आज के व्लॉग में। एंड आप देख सकते हो कि बारिश का टाइम है, जो पूरा ग्रीनरी इफेक्ट हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग, पूरा ग्रीनरी इफेक्ट हो चुका है। सो अभी आप लोगों को पहली चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं आया हूँ पनवेल में, एक स्वप्न नगरी करके एक प्लेस है जहाँ पे दो या तीन सेट्स है जहाँ पे पिक्चर्स की शूटिंग होती है। तो आप लोग को दिखाता हूँ पहले चीज़, जहाँ पे एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे बंगला है जो यहाँ पे पिक्चर की शूटिंग होती है यहाँ पे। अभी आप लोग भी देख के एक बार देखो कि इसका लुक क्या, नज़ारा कैसा है। सो ये इसका गेट है एंट्री का, यहाँ से ये बंगले का। सो यहाँ से जा सकते हैं अंदर। सो आप लोग को मैं ये दिखा देता हूँ, ये है बंगला। तो ये शूटिंग के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स की शूटिंग भी हुई है, मराठी पिक्चर्स हो गए, हिंदी पिक्चर्स की शूटिंग होती है यहाँ पे, शूटिंग के लिए दिया जाता है। तो बहुत अच्छा लोकेशन दिखाई दे रहा है, प्लस काफ़ी ग्रीनरी इफेक्ट है, अभी बारिश का टाइम है तो बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। अंदर एंट्री नहीं है, आपको अंदर जाना मना है, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट बाहर से भी पूरा दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हो उसको पूरा। सो आपने जो पीछे देखा, ये था एक बंगला जो कि शूटिंग के लिए दिए जाते हैं। कोई भी पिक्चर्स में छोटे छोटे जो सीन्स होते हैं बंगले के, वो यहीं पर शूट होते हैं। तो ये है पनवेल में स्वप्न नगरी करके, वहाँ पर एक ये सेट है। तो देखते हैं अभी और आगे कुछ पॉइंट मिलते हैं, आगे भी शूटिंग के कुछ सेट्स हैं तो भी आप लोगों को दिखाता हूं मैं। सो अभी मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये भी एक शूटिंग का सेट है स्वप्न नगरी में ही, ये थोड़ा आगे जाके है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी हिंदी मराठी भोजपुरी मूवी की शूटिंग होती है। इसके अंदर जाएंगे तो छोटे छोटे सेट्स है इसके अंदर, तो उसके छोटे छोटे सीन्स की शूटिंग होती है, जो कि हिंदी मूवी हो गई, मराठी मूवी हो गई, भोजपुरी मूवी हो गई, उनकी शूटिंग यहाँ पे होती है। तो ये भी एक सेट्स है यहाँ पे। सो अभी यहाँ से निकलता हूँ और आगे देखता हूँ कि आगे कुछ पॉइंट है क्या, तो आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग को मैं आगे मिलता हूँ। अभी आया हूँ स्वप्न नगरी में आगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रेन का स्टेशन का शूटिंग होता है, एक ट्रेन रियल की रखी हुई है और स्टेशन बनाया हुआ है छोटा सा, बहुत प्यारा लोकेशन है। अब एक बार दिखा तो आपको अंदर से मैं, ये स्टेशन है और यहाँ पे ये ट्रेन है इसकी। तो यहाँ पे कोई भी अगर छोटा सीन रहेगा मूवी का तो यहाँ पे शूट हो जाता है, सीरियल की भी शूटिंग यहाँ पे हो जाती है। तो ये एक छोटा सा सेट है, काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे क्राउड भी नहीं है तो ईजिली शूटिंग कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सो ये था एक छोटा सा सेट जो कि ट्रेन के स्टेशन का सेट। सो ये था कुछ 3 से 4 पॉइंट पनवेल में जो कि स्वप्न नगरी में मूवी के सेट्स हैं। मेरे को लगता था कि खाली बांद्रा में ही महबूब स्टूडियो में शूटिंग होती है, बट ऐसा नहीं है, गोरेगांव में भी होती है, जो कि पनवेल में भी अब सेट्स बना दिए गए हैं जो कि मूवी की शूटिंग होती है। और यहाँ का आप रोड देख सकते हो, कितना प्यारा लोकेशन है, यहाँ पे बाजू में जंगल, यहाँ पे जंगल, बीच में रोड है, कितना प्यारा लोकेशन है। प्लस बारिश आ रही है तो पूरा ग्रीनरी इफेक्ट यहाँ पे हुआ है, और बीच में आप गाड़ी चला सकते हो, बहुत प्यारा लोकेशन है। और इसी लोकेशन पे काफ़ी सारे मूवी के सेट्स है, तो इसीलिए यहाँ पे लोग शूटिंग कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पे क्राउड एकदम कम है। प्लस यहाँ पे धीरे धीरे भी मूवी के सेट्स भी बनते जा रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम में यहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे मूवी की शूटिंग्स के लिए। और देख रहा हो कि लोग मुंबई से काफ़ी लोग यहाँ पे अब पनवेल में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि पनवेल में अभी फिलहाल इतना क्राउड नहीं है, बट आई थिंक आने वाले कुछ टाइम में क्राउड ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो अब मैं आप लोग को आगे मिलता हूँ सीधा। सो अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने ट्राई किया कि अंदर जाके शूट कर सकूं, बट अंदर अलाउड नहीं था। पहले मैंने बाहर वाले वॉचमैन को पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ आप अंदर जाके शूट कर सकते हो। सो मैं अंदर गया, सो अंदर वालों ने बोला कि आप शूट नहीं कर सकते। सो मैंने छोटा सा एक क्लिप शूट किया है जो कि आप लोग देखे रहेंगे अभी, तो वो एक छोटा सा मैंने ऐसे ही नॉर्मली बात करने के और पीछे से मेरे फ्रेंड ने शूट कर लिया। तो वो था स्टेशन का पार्ट जहाँ पे मूवी के छोटे छोटे सीन्स शूट होते हैं यहाँ पे। सो अभी आप लोग को मैं आगे मिलता हूँ। बारिश आ रही है। सो
तो अभी हम लोग रास्ते में चलते चलते हम लोग को एक पिकनिक स्पॉट दिखाई दिया, तो मैंने सोचा आप लोग को ये लोकेशन दिखाना ज़रूरी है। तो पनवेल में एक ये लोकेशन है दोधनानी धर्म करके। खास करके बारिश में आप इसके अच्छे से इन्जॉयमेंट ले सकते हो, क्योंकि बारिश में ऐसा वाटरफॉल है तो काफ़ी आप अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो। बट ऐसी जगह पर इन्जॉय करने के साथ में थोड़ा केयरफुल भी रहे, बिकॉज पानी कभी जोर से आता है तो आपको साथ में लेके भी जा सकता है। तो बारिश में ये इंसिडेंट बहुत होता है, तो ऐसी जगह पर कभी आप आते भी हो तो थोड़ा केयरफुल रहें एंड इन्जॉयमेंट आप कर सकते हो। ऐसे वाटरफॉल में नहाने में किसको मज़ा नहीं आएगा, सबको मज़ा आता है। सो अभी हम लोग यहाँ पे एक दो फोटोशूट करेंगे। अगर आपको ये फोटोशूट देखना है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आप लोग को वहाँ पे ये फोटोज़ दिख जाएगी। तो मैंने अपनी बड़ा वाला कैमरा अपना लेके आया है, उससे अभी फोटोशूट करेंगे। सो फाइनली हो गया है फोटोशूट कंप्लीट। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रोशन के घर पे खाना खाने के लिए, बहुत जोर की भूख लगी है। सो अभी खाना खा के फिर आप लोग को मैं आगे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। सो अभी हम लोग पनवेल से निकल रहे हैं चेंबूर के लिए, क्योंकि अभी लेट ज़्यादा हो गया है, 6 बजने आ गया ऑलमोस्ट। तो हम लोग को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा।